Bismillah Rahman Rahim. My name is Muhammad Jahangir and I am starting this new course, Analytical Chemistry and Instrumentation. In chemistry, whatever you are working on, synthesizing, manufacturing, you have to use your analytical skills to determine your product or to analyze your results. If you fail to determine the attribute of your product, it is impossible to create good results if you fail to evaluate your product it is impossible to maintain the quality or specifications if you fail to maintain the quality definitely you simply spoil your product or synthesizing method in any analytical work we have to focus on three things analyst equipment and methods and to have to have good quality results we must have trained analyst calibrated equipment and validated testing methods analytical chemistry is basically study of testing methods for determining composition of substances this determination may be limited to determine attribute of the product means qualitative analysis or we have to quantify the quantity of the substances that's called quantitation or quantification. Chemical analysis include any aspect of chemical characterization starting from collection of sample to extraction, sample preparation and evaluation of data, etc. Qualitative analysis is detection and maybe identification. Does the sample contain substance X? हमें देने की ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पे ये बात जानना कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यूस हैं या नहीं हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है इस तरह ये भी आइडेंटिफिकेशन है कि कौन से पेस्टिसाइड रेजिड्यूस मौजूद हैं हमारी प्रोडक्ट में माइक्रोबल लोड कितना है ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है और कौन से माइक्रोब पाए जाते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन भी क्वालिटेटिव कहलाएगा क्वांटिटेशन में हम इनकी क्वांटिटी मालूम करते हैं यानी नंबर ऑफ़ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स नंबर ऑफ़ कॉलोनी फार्मिंग बैक्टीरिया कितने हैं ये क्वांटिफिकेशन है या पेस्टिसाइड रेजडियूज़ हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी है इसको मालूम करना क्वांटिफिकेशन कहलाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक और तेक्निक जिसे हमें मुस्तकिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है सेपरेशन टेक्निक्स कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें अपने सैंपल को एनालिसिस के लिए तैयार करना पड़ता है इस सैंपल प्रिपरेशन में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एनिटिकल टेक्निक या सेपरेशन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पर अगर वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड रेजिड्यूस की मकदार पानी के अंदर बहुत कम होगी हमें पहले एनरिच करने की ज़रूरत होगी अपने सैम्पल को तैयार करने की ज़रूरत होगी वरना एच पी एल सी पर अगर एनालिसिस करना चाहें तो आपको कुछ क्वान्टिटी मालूम नहीं होगी ये लिमिटेशन हमारी टेक्निक की होती है जिसके लिए हम पहले सैम्पल को तैयार करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेशन तेक्निक आर देयर लाइक सॉलमेंट एक्सट्रैक्शन, लाइक सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन लाइक क्रोमेटोग्राफी यूज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज सेपरेशन तेक्निक अगली दो स्लाइड्स के अंदर हम एक ओवरव्यू लेंगे उन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से मुतिक या एनिटिकल तकनीक से मुतलिक जो हम फील्ड में इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत हमें प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए होती है किसी भी किस्म की प्रोसेस इंडस्ट्री चाहे वो पेंट बना रही है फार्मास्यूटिकल या फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इवन हैवी मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री भी हो तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उनकी भी ज़रूरत है और इनमें तीन स्टेजेस पर हम क्वालिटी कंट्रोल या एनेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं एक रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में दूसरा इन प्रोसेस या इंटरमीडिएट की टेस्टिंग में और तीसरा फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग में जो जो प्रोडक्ट तैयार हुई है या इवन मार्केट में चली गई है उसकी टेस्टिंग करने के लिए दूसरी जगह एनवायरमेंटल एनालिसिस है एफिलेंट वाटर की टेस्टिंग वेस्ट वाटर की टेस्टिंग स्टैक एमिशंस या गैसेस जो एक इंडस्ट्री से निकल रही हैं इनको एनालिसिस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़ मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड स्टडीज़ हम इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड यूरिन या और बॉडी फ्लूड्स की एनालिसिस करवाने के लिए जिसमें हम न्यूट्रेंट्स की मेजरमेंट करना चाह रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ड्रग की एवेलुशन करना चाह रहे होते हैं या माइक्रोब्स की एवेल्यूशन करना चाह रहे होते हैं इन तमाम प्रोडक्ट के अंदर चौथी चीज़ जोलॉजिकल एसेस यानी ज़मीन के अंदर मौजूद मादनियात की एनालिसिस हो या ज़मीन में मौजूद ऑयल एंड गैसेस के ट्रेसेस की एनालिसिस हो इसके लिए हम अपने एनाटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं और फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के लिए भी हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ जब आप प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिंथेसिस करते हैं इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारी ज़रूरत है कि उसकी क्वांटिटी कितनी बनी है रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो चुका है जो प्रोडक्ट बनी है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं उनकी क्वालिटी क्या है तो इस तमाम एक्टिविटी के लिए हम मुख्तल किस्म की एनालिटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे अगली स्लाइड्स जो हम नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करेंगे उसमें हम मुख्तफ स्टेप्स की बात करेंगे जो हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं